प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। मेरा नाम भूपाली है, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। एक महीने से मेरे सर में बहुत दर्द था और गले में बहुत दर्द था और लगातार मुझे चक्कर भी आते थे, और मैं डॉक्टर के पास गई और बहुत सारी दवाई ली लेकिन मुझे कोई आराम नहीं। फिर मैंने प्रार्थना पर कॉल किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई, और कुछ ही दिनों में मेरे सर का दर्द, गले का दर्द और चक्राना बंद हो गया और मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक है। और यीशु प्रभु, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्या के लिए, बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह से कहिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि हम तो गुनहगार हैं, हम तो पाप करते हैं, हमारा जीवन तो सही नहीं है, इसलिए यदि हम प्रार्थना भी करें तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। परंतु मेरे प्रियों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनता है। दूसरा राजा उसका 13:4 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इसराइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा यहोआहाज ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, राजा यहोआहाज, जिसके बारे में लिखा है कि उसने जीवन भर वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में उसने जीवन भर गुनाह किए, जीवन भर पाप किए, गलत गलत काम किए। इस पर परमेश्वर का क्रोध इसराइलियों पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उन्हें आराम के राजा की बंधुआई में भेज दिया, और वे लोग अब बंधुआई में हैं आराम के राजा की। और जब आराम का राजा उन पर अत्याचार करने लगा, तब ये जो राजा था यहोआहाज, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर था, जो परमेश्वर के विरोध में पाप किया करता था, गुनहगार था परमेश्वर की दृष्टि में, वो व्यक्ति आज जब संकट में है, जब मुसीबत में है, जब दुखों में है, जब समस्या में है, तो वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, अपनी दुख को परमेश्वर को बताने लगा। और दोस्तों, हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि वो गुनहगारों की, पापियों की प्रार्थनाओं को भी सुनता है, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने इसराइलियों को उस बंधुआई से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस राजा यहोआहाज की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार से प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। ये व्यक्ति तो गुनहगार था, आप तो उसकी संतान हैं, आप तो प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, उसके बेटे बेटी हैं, उसके चुने हुए हैं, उसके बुलाए हुए लोग हैं, तो वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने मन से इस विचार को हटा दें कि मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो गलत व्यक्ति हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। नहीं, जब परमेश्वर इस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन सकता है जिसने जीवन भर वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा यदि आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप उसके सामने अपने दुखों का बयान करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और वो सुनेगा ही नहीं, बल्कि आपको उस समस्या से छुटकारा भी देगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं। हाँ, यदि आप गुनहगार भी हैं तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो आपके लिए ही इस धरती पर आए हैं।
ताकि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको उस अवस्था से बाहर निकाले, छुटकारा दे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो दोस्तों, मैं आज शाम में आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे कैसे भी हैं, आप प्रार्थना करना न छोड़ें। yes. आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा Amen. और आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन में चलने वाली उन समस्याओं के लिए, उन स्ट्रगल्स के लिए जिससे होकर आप गुजर रहे हैं, और विशेषकर इस महामारी के समय में आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने दिन भर में संभाला प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ये समय दिया कि हम तेरी महिमा को करें, ये समय दिया कि हम तेरी तारीफ करें और तेरे साथ संगति को करें प्रभु। धन्यवाद हम सबको एकत्रित करने के लिए प्रभु, अपनी उपस्थिति में बढ़ाने के लिए, और विशेषकर अपनी पाक उपस्थिति हमारे बीच में रखने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड, हम प्रेज करते हैं आपके मीठे और पवित्र नाम को, उस सामर्थी नाम को पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी विनती और दुआओं को सुनते हैं, हमारे गिड़गिड़ाने को सुनते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ और बड़ाई हो परमेश्वर। लॉर्ड, आप ही हैं जो हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य देते हैं परमेश्वर। हर एक काम में हम कमजोर होते हैं, परंतु प्रभु आप ही हैं जो हमें सामर्थ्य से भरते हैं, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें देते हैं प्रभु, ताकि उसे पाकर हम प्रभु हर एक इम्पॉसिबल काम को कर सकें। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु, यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती हुई है प्रभु, कोई भी अपराध हुआ है पिता, तो आप हम सबको क्षमा करें प्रभु जी। और इस समय जब आपके बेटे बेटी अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहे हैं प्रभु, और उन बातों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, तो आप इन्हें माफ करें। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें इनके पापों से आप छुटकारा दीजिए, इनके जीवनों में आइए प्रभु, इनके जीवन के प्रभु आप बन जाइए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में जिस वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, सच में प्रभु जी आप अपने लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी यहोआहाज की प्रार्थना को आपने सुना परमेश्वर पिता, कि वो जो तेरी नजरों में परमेश्वर हमेशा वो काम किया जो गलत था प्रभु, प्रभु आप हमारी भी प्रार्थना को सुनते, क्योंकि आप प्रभु अपने धर्मी के प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने परिवार के लिए विनती कर रहे हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भी लोग अपने परिवारों के साथ में बैठे और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज हम प्रभु उनके परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, कि इनके परिवारों में आप अपनी शांति को दे प्रभु जी, अपने मेल मिलाप को दे प्रभु, अपने प्रेम को दे प्रभु जी। हर एक ईर्ष्या, हर एक जलन की भावना, हर एक बुरा विचार, हर एक नेगेटिव बातें इनके परिवारों से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके परिवारों में एकता और मेल मिलाप हो पिता। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज की शाम में मेरे प्रभु जी, लॉर्ड फादर, जो अपने लिए प्रार्थना कर रहे, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे, यीशु के नाम से आप उनके भविष्य को सिक्योर करें प्रभु जी। जो प्रभु अपनी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि इस कोरोना वायरस के समय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पिता आप छुटकारा दे प्रभु जी। आप इस वायरस को उनके शरीरों से नष्ट करे प्रभु जी, उसके सिम्टम्स को नष्ट करे प्रभु। हर एक ब्लॉकेज, हर एक इन्फेक्शन इनके शरीर से नष्ट हो जाए, इनके गले का पेन दूर हो जाए, इनके लंग्स हील हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। इनका बुखार उतर जाए यीशु के नाम से। जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, लॉर्ड आप उन्हें हील करे पिता, और वो चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु इन्हें छुआ और चंगा किया पिता। इस समय जो बीमार है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारी को लेकर बैठे हैं, यीशु के नाम से प्रभु ये गिड़गिड़ा रहे प्रभु अपनी चंगाई के लिए, गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी से छूटने के लिए प्रभु यीशु के नाम से। इनके शरीर से वो बीमारियां निकल कर चली जाए, वो हर एक दर्द निकल कर चला जाए, ये चंगे होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु, जो आपने अपने बेटे बेटियों को दिया। आपने हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी से छुटकारा दिया, हर एक हड्डियों की प्रॉब्लम से छुटकारा दिया प्रभु, इनके माइग्रेन की प्रॉब्लम, मिर्गी की बीमारियों
को नष्ट किया प्रभु, बीपी शुगर की बीमारी को नष्ट किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है पिता उसे आपने नष्ट किया, इन्हें चंगा किया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय परमेश्वर बेरोजगार है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता आप उनके लिए इनकम के सोर्सेस को खोलिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपनी घटी कमियों में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी घटी कमियों को दूर करें, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उनके लिए ना होने पाए प्रभु, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है और ये तुझसे अपनी प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता है प्रभु जी। पिता ये तेरी पवित्र प्रजा है, तेरे लोग हैं प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। इस समय जितने भाई बहनों ने कमेंट्स किया है यीशु के नाम से प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु और उसका उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु आप आज की रात में प्रभु इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे, दुष्ट की बुरी बातों से छुटकारा दे प्रभु जी, और खुदावन दुष्ट इनके जीवनों में कार्य न करने पाए, कोई भी गलत कार्य इनके जीवन में न होने पाए प्रभु, आप इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, सबको आप सुरक्षित और हिफाजत से रखे प्रभु, और ये नया दिन प्रभु कल का आपके साथ में देखने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।